हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर यू ओनली में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपने त्रिपुरा स्टेट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका बिल ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू अपना बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पेटीएम से आप कैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, चाहे आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेटीएम से भी आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। लेकिन कुछ त्रिपुरा के जो मेरे भाई है उन्होंने कमेंट्स किया कि हम कैसे त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी का जो वेबसाइट है उसके थ्रू अपना बिल पे कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आज का जो वीडियो है इसे बना रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ गूगल में जाके आपको टाइप करना है TSECL। आपको यहाँ TSECL लिख के सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई देगा TSECL.in का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है व्यू बिल का, तो यहाँ क्लिक करके आप अपने बिल को व्यू कर सकते हैं मतलब देख सकते हैं। और इसके बाद है पे बिल, यहाँ क्लिक करके आप अपने बिल को पे कर सकते हैं। और इसके बाद है अप्लाई न्यू कनेक्शन, मतलब न्यू कनेक्शन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद है प्रीपेड रिचार्ज, अगर आपका प्रीपेड वाला मीटर है तो आप यहाँ से अपना रिचार्ज कर पाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास प्रीपेड मीटर नहीं है, तो यहाँ हम पे बिल पे क्लिक करते हैं। इसके बाद पेज को फिर से थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ हम क्विक पे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पेज को नीचे लेके जाएंगे फिर से, और यहाँ पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे जो पे का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से पेज को नीचे लेके जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो करेगा, जैसे पहला है अकाउंट नंबर, इसके बाद है ओल्ड अकाउंट नंबर, और इसके बाद है इंस्टॉलेशन नंबर। तो यहाँ पे एक बात बोला गया है, ओल्ड अकाउंट नंबर मस्ट स्टार्ट विथ 000। तो अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट नंबर है तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन अपना बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके पास न्यू अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसका बिल स्लिप जो है कुछ इस टाइप से आता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर होगा वो ही मतलब नया अकाउंट नंबर है, तो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट जो ऑप्शन है अकाउंट नंबर का, इस पर टिक करेंगे और यहाँ अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद मतलब कंज्यूमर आईडी टाइप करने के बाद यहाँ फ्रेंड्स नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ फिर से पेज को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो बिलिंग डिटेल्स है वो शो करेगा, जैसे कि कंज्यूमर नेम यहाँ पे शो करेगा, इसके बाद बिल नंबर यहाँ पे शो करेगा, और इसके बाद यहाँ पे बिल इशू डेट मतलब कौन से डेट को ये जो बिल है ये इशू किया गया था वो डेट यहाँ पे शो करेगा, और इसके बाद ड्यू डेट शो करेगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ इसे लेफ्ट की ओर स्वाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपको अमाउंट ड्यू मतलब कितना अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ पे शो करेगा। और इसके बाद यहाँ पे एक्शन पे पे का ऑप्शन दिखाई देगा जो ब्लू कलर में होगा, तो यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम बिल डेस्क पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड्स निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा आप कौन सी पेमेंट मेथड से अपना पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर अदर डेबिट कार्ड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से भी यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर UPI के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर फ़ोनपे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं पेटीएम से अपना पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पेटीएम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक करके अपना पेमेंट जल्दी से कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन है ये ब्लैकआउट हो जाएगा सिक्योरिटी रीजन के थ्रू, तो मैं यहाँ से अपना पेमेंट कर दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे योर पेमेंट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन विद्युत बंधु विद इन 24 आवर्स बोल के लिखा आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटस जो है वो सक्सेस दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस हो गया है। और यहाँ बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया,
बाकी डिटेल्स भी यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके नीचे आपको व्यू डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके आपको ये जो रिसिप्ट है इसे डाउनलोड करके रखना है, सेव करके रखना है आपको कहीं पर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे त्रिपुरा इलेक्ट्रिसिटी का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट से अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ही था आज के इस वीडियो में। आई होप हमारे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।